हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। वेलकम बैक टू द डे टू ऑफ कंसिस्टेंसी। आज हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं यार, इसके गियर का काम करवाना है, क्योंकि एक तो इसका लीवर ये नीचे गिर जाता है और दूसरा इसका रिवर्स और पांचवा गियर नहीं लग रहा। कल रात को हमने जाके गियर वाले भाई से बात कर ली थी कि हम सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 11 बजे आपके पास गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे, ताकि हमारी गाड़ी का आप जल्दी जल्दी से काम करें। बाकी मौसम के ऊपर आए तो भाईजान, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी तपती तपती धूप निकल आती है, लेकिन सीन ये है कि हम विंडो एसी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वायरिंग का कोई मसला चल रहा है। इसकी गेज है, ये तो शो नहीं कर रही कि भाईजान कितना पेट्रोल है, लेकिन मुझे लगता है कि पेट्रोल कम है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 3000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और उसके बाद 35-40 किलोमीटर चला चुका हूँ विद एसी, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा देर चलेगी। पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद चिल एसी ऑन करेंगे, तब तक थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहुंच चुके हैं जी मार्केट, अभी वो बंदा ढूंढते हैं जिससे हमने बात की थी गियर वाली। जलालत के बाद हमारा जो है गियर लीवर, इसका काम डिस्कम्पटेट हो गया, फुल हैवी किस्म का सेक्सी काम हो गया, लेकिन हमारे जो पांचवें और रिवर्स गियर वाला काम है वो नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी हमारी कहती है जी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, सक्सेस के लिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमने गाड़ी को समझा रहे हैं यार कभी कभी थोड़ा सा रिवर्स होना अच्छा रहता है, कभी कभी हम किसी उल्टे रास्ते में थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पीछे आना ज़रूरी होता है ताकि हम राइट वे अपने सही रास्ते की तरफ निकल सकें। लेकिन देयर आज प्रॉब्लम ये है कि गियर लीवर तो हमने सेट करवा लिया, लेकिन गियर वाले भाई जो हैं अब वो कहते हैं जी आप गियर खुलवा के लाएं, गियर लीवर खुलवा के लाएं, क्योंकि ये गाड़ी के नीचे का काम है और मेरे पास रैंप नहीं है, इसलिए आप ये काम करवा के लाएं। यार मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप एक काम नहीं कर सकते हैं, एक काम करने की आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो आप काइंडली अगले को जलील ना करें, अगले का टाइम ज़ाया ना करें, अगले को इधर उधर। अभी मैं इनके पास लेके गया हूँ, गियर लीवर नीचे गिर रहा था, इस बंदे ने कहा जी आप गियर लीवर लगवा के लाएं, मैं आपको 10 मिनट के अंदर आपका काम ये करके दे दूंगा। लेकिन जब मैं गियर लीवर लगवा के आया हूँ, 1500 रुपया खर्च करके आया हूँ, अब जब उसका काम थोड़ा सा रह गया था, अब वो कहता है जी खुलवा के लाएं, मेरे पास रैंप नहीं है, अब मैं इसको देख नहीं सकता, तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। बाकी अभी का सीन ये है कि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए अभी कहीं और जाने के बजाय हम सीधा घर भेजेंगे, घर जाके थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप क्या है। गियर लीवर तो हमने बैकग्राउंड में खुलवा लिया था, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी सील जो है ना ये ख़राब हो चुकी है, और ये जॉइंट जो है ये यहाँ पे ऊपर जो है वो अटैच होता है, यहाँ पे किसी अल्लाह के बंदे ने, ये लगाने वाले ने या खोलने वाले ने ये ख़राब कर दिया हुआ, जिसके ख़राब होने की वजह से ये इसका जो लीवर की यहाँ पर ये सील है या जो भी चीज़ होगी इसकी, ये ख़राब हो गई है। अभी ये लीवर लेके जाना है मार्केट से, पता करना है कि ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो चलते हैं मार्केट लेके चलते हैं, इसको चेक करवाते हैं कि क्या सीन इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जी गाइस, गियर लीवर हमने CD70 पे फिट कर लिया, अब हम CD70 को जो है वो यहाँ पे गियर लगाया करेंगे। ये जान लगी ठंडा जोक था वैसे, बट एनीवेज अभी हम जा रहे हैं शादेवाल चौक, ये गियर लीवर हमने वहाँ पे जाके चेक करवाना है, इसको रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन अब इसकी मरम पट्टी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका इलाज दुनिया में मौजूद है या नहीं है, वो हमें जाके पता लगेगा जी इसके डॉक्टर से, और लेके चलते हैं वहाँ से जाके देखते हैं कि अगर किसी के पास इसका कोई जुगाड़ जुगाड़ है तो वहाँ से करवाएंगे, नहीं तो जिस बंदे ने गियर लीवर उतारा है उसके पास वो कह रहा था कि एक छोटा सा जुगाड़ है, अगर तो वो काम कर गया तो सेट है, नहीं तो फिर गियर लीवर ही चेंज करना पड़ेगा। होप्स हो के यार सस्ते में काम हो जाए, पहले बड़े पैसे खा चुकी है ये गाड़ी।
यहाँ से अगर आप कभी आते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो आप हमेशा सर्विस लेन में जाएं, क्योंकि यहाँ पे आगे वार्डन खड़े होते हैं, आपको सीधा सीधा 2000 रुपये का चलान डूब सकता है। ये चेक कर सकते हैं आप, इतने लगे ने नाके। तारक गियर वाला यही है ना, इधर ही है भाई। ये पुश वगैरह लगेंगे, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। ये उसका काम है, करा दिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये रिपेयर हो जाएगा, बुश लग जाएंगे इसके? ये नहीं रिपेयर होता, नहीं नया डालना पड़ेगा, या ये आगे ले जाए जी। पहले इसकी किट का पता करें, स्टील आटो की है। ये जो अंदर लगी है, ये किट है, ठीक है। किट किसकी आती है, फिर ये डलनी है। अगर मिल जाए तो फिर डल जाएगी, वरना डल जाएगी। पता नहीं, हम नहीं करते आगे, किसी करा दिए से पूछ लें, वो डाल देते हैं, ठीक है। किट मिल, लेकिन पहले किट पता करें। हाँ जी, स्टील ऑटो है आगे, ठीक है। स्टील ऑटो पहुँच गए, हम पता करते हैं। होप सो, होप फिर मिल जाए। यार ये किट मिल जाएगी इसका, अपनी किस्मत वादू ही ख़राब है, क्योंकि इसका बुश वगैरह तो हमें मिला नहीं है। अब इसका एक हल है कि वो जुगाड़ लगाया जाए, और अगर वो जुगाड़ कामयाब हो जाता है तो हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे, वरना 99.9% चांस यही है कि बड़ा खर्चा हो जाना। यार इन्ने दिन मैं गड्डी नहीं ली जिन्ने पैसे उसके ला बैठा। ये है जी बाइक का फायदा। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम इसको जो है वो जाके वर्कशॉप वाले के पास लेके जाएं और उसके पास बैठ के इसको जुगाड़ लगाने की कोशिश करें कि जुगाड़ लगता है नहीं लगता, 50-50 चांस पे है। तो अभी थोड़ी देर तक घर पहुंच के भाई को भेज के ये उसके पास पहुंचा देंगे, ताकि वो इसके साथ अपने जुगाड़ लगाने की कोशिश करे, और अगर हो जाए तब भी ठीक है, ना हुआ तब भी ठीक है। मतलब अब एक माइंड तो बना लिया कि यार इसने चेंज होना ही होना है, तो एक ट्राई है कि मे भी अगर खर्चा बच जाए तो बच जाए। होप्स हो के काम हमारा हो जाए, सस्ते में हो जाए, ना हुआ तो फिर रिप्लेस करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है, ऑल द वे फ्रॉम दिस अकॉर्ड, जलालत अकॉर्ड। वैसे जलालत तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, माशाल्लाह से हमारा जो लीवर था वो सेट वेट हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब जो जुगाड़ हमने सोचा था, जो अंकल ने हमें जुगाड़ कहा था, वो लग गया, खर्चा नहीं हुआ हमारा ज़्यादा। तो गाड़ी जो है वो रिवर्स भी जाएगी, इसको हमने सिखा दिया कि ज़िंदगी में कभी कभी रिवर्स जाना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी जो है वो रिवर्स चल रही है। अभी इसमें हाथ हमारा उतना सेट नहीं हुआ, इसलिए झटके झुटके थोड़े बहुत लग रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो रही है।